स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अब ये चीजें आपके लिए नई है, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम मैट्रिक्स को डिफाइन करें, उसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स। इस डेफिनेशन में आपके पास दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन किए हैं मैंने। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर एंड सेकेंड इज रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं और रियल नंबर की टाइप्स भी आपने डिस्कस की थी, जैसे आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा, सेट ऑफ होल नंबर्स पढ़ा, ये सब कंबाइन करके फॉर्म करते हैं रियल नंबर्स को, जो आप डेल्टा एफ में नंबर्स यूज करते हैं। अब मैट्रिक्स क्या है? अब देखिए, अगर हम इन रियल नंबर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ये आपके पास रेक्टेंगुलर अरे है, इसे हम रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं। अगर इसमें हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपके नंबर्स को अरेंज कर दें, दैट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसी के एसोसिएटेड डेफिनेशन से। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये एमसीक्यू आता है मोस्टली, आपको मैट्रिक्स गिवन होता है, आपसे पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर बताएं, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैट्रिक्स में है, हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसका नाम के है, लेट्स से मैट्रिक्स इज इक्वल टू एनी एलिमेंट्स 2, 3, 1 and 4। अब इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स है, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देखें तो उसे हम कहते हैं रोज, अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट्स देखें तो उन्हें हम कहते हैं कॉलम। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे? रोज। और वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम्स। अब स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये है, जो रोज है उनको डिनोट किया गया है बाय अ लेटर एन, एंड सिमिलरली कॉलम्स को डिनोट किया गया है बाय अ लेटर एम, एंड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बाय एम। ऑर्डर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? एन बाय एम। सो एग्जाम्पल के तौर पर हम वही मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। अब ए में देखें कितनी रोज है, 1 and 2। सो नंबर ऑफ रोज क्या आ गया? 2। एंड सिमिलरली कॉलम्स कितने हैं? 1 and 2। तो कॉलम में कितने हो गए? 2 हो गए। इट मींस कि एन की वैल्यू भी 2 है और एम की वैल्यू भी 2 है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? 2 by 2। अब एक चीज का ख्याल रखना स्टूडेंट्स, आप इसको मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिखना, अगर 4 लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, याद है? क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है, दैट इज इक्वल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आपकी बुक की थर्ड डेफिनेशन है, बुक में सर लिखा हुआ है लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। हम लेट कह लेते हैं, हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, देन ए इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ। ए बी की इक्वल होगा तब। स्टूडेंट्स, दो कंडीशन है। अगर फर्स्ट कंडीशन देखें तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, इट मीन्स कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पहला पॉइंट था सबको क्लियर हो गया होगा कि सर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। सेकंड में आपको कंफ्यूजन होगी, सो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 1, 3 and 7। इसी तरह से हमने एक मैट्रिक्स लिया बी जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 1, 3 and 7। देखिए स्टूडेंट्स, ए का ऑर्डर क्या होगा? कितनी रोज है? 1, 2। ओके सर, कॉलम कितने हैं? अगेन 2। तो उसका ऑर्डर क्या आ गया? 2 by 2। इसी तरह से हमने बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा विच इज ऑल्सो 2 by 2। अब सर फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू होगी? जी बिल्कुल ट्रू होगी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये इक्वल है, बट दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपल्सरी है। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। अब सर सेकंड कंडीशन है क्या? वो है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वही होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 है। इसी तरह से यहां पर भी जो सेकंड एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए? वो भी 1 होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स इस तरह से एलिमेंट्स भी सेम है तो फिर सेकंड कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाएगी। अब इस केस में देखें, 2 है यहां पर भी 2 आ रहा है, सेकंड एलिमेंट यहां पर 1 आ रहा है, फर्स्ट होगा यहां पर भी 1 आ रहा है। सर बाकी एलिमेंट्स भी इक्वल है, इट मीन्स कि दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो ए इसके इक्वल होगा, ए इक्वल होगा बी के। दिस इज इक्वल मैट्रिक्स। अब ये तीनों डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं और अब आप मूव करेंगे 1.1।